गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। मैं उठ चुकी थी 6 बजे उठ के नहाई धोई, मंदिर में पूजा किया और उसके बाद दोनों बच्चों को बाहर लेके गई थी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैंने दोनों बच्चों को सुबह का खाना दे दिया है, आप देख सकते हो शमशेरा पीछे खाना खा रहा है। और अब अपने लिए मैंने बनाई है चाय, मैं पीती हूँ चाय, तब तक दोनों बच्चे खाना खा रहे हैं और उसके बाद उनको लेके जाऊंगी वापस से बाहर, क्योंकि सम्राट को खाना खाने के बाद पॉटी आती है, तो इनको खाना खाने देते हैं और मैं चाय पी लेती हूँ और दिन की शुरुआत करते हैं आप लोगों के साथ। आई होप आपका दिन भी बहुत अच्छे से शुरू हो रहा होगा। महाराज एक खैयल थू, इसको नज़र ना लगेगा, इस हाइट तो इसकी बढ़ गई है थोड़ी सी। अब ये मेरे कैमरे में ना पास से आता नहीं, अगर मैं जैसे क्लोज से कैमरा इसके पास लेके जाती तो पूरा आता नहीं, मुझे दूर जाना पड़ता है। शोल्डर वर्कआउट करके अब जा रही हूँ घर और देखते हैं कि आज भी बाकी दिनों की तरह नहीं हुई है शैतानी या आज कर दी है, तो चलो जल्दी से जाते हैं पहले घर। बालकनी से देख रही हूँ, देखो ये रहा शमशेरा, अभी सम्राट भी देख रहा था। सम्राट ये शमार्तू कहाँ होगा भाई, शमार्तू तो नहीं दिख रहा, सिर्फ चमचेलू दिख रहा है। शमार्तू कहाँ है, अभी तो यहीं बैठा था। चलो आ रही हूँ, अंदर आ रही हूँ। इसकी आवाज़ें आ रही है बाहर चिल्लाने की। किस खुशी में, समझ गई शैतानी नहीं करी गुस्सा। दोनों का टॉय ला के दे दो, मैंने इनको बोला था टॉय ला के दो। सम्राट इतना बदतमीज है, शमशेरा को काटे जा रहा है। सम्राट ए सम्राट, ला शमशेरू टॉय दे दे बेटा, ये देखो गया। वो टॉय लेके आना चाहता है, वो बॉल लेके आया था। इस दोपहर के 1 बज चुके हैं, मैंने अपना खाना खा लिया है, दोनों बच्चों के लिए मैंने खाना बना दिया है, क्योंकि आज ना चिकन बना हुआ रखा था और राइस भी बने हुए नहीं रखे थे, तो मैंने चिकन और राइस दोनों बना दिए हैं बच्चों के लिए। मैंने अपना तो खा लिया है क्योंकि मेरा खाना बन चुका था और बच्चों को खाना दूंगी 2 बजे, अभी 1 बज रहा है, तो अभी 1 घंटे के लिए थोड़ा सा बैठते हैं, इनके साथ खेलते हैं और उसके बाद इनको खाना दूंगी। लड़के को पता था कि खाने का टाइम है, ये पिछले आधे घंटे से किचन में पड़ा हुआ है धरना देके कि खाना दो, है ना। चले बहुत चालाक है तू, बहुत चालाक। चले छुड़ंगू, खाना खाने के लिए तुम यहाँ किचन में बैठे हो क्योंकि तुम्हें खाना खाना है, हैं? तालू तालू आलू कचालू आलू कचालू, मेरा कुतुलू कुतुलू शमशेरू आज मैं बेटा बोलो, मेरे बेटा खाना खाएगा, मेरा बच्चा खाएगा, हाँ खाएगा, छोना बेबी है शमशेरा, तो छोना बेबी है, ओ मो पूछी कितना प्यारा बेबी है। चलो बैठो, खाना देती हूँ मेरे बच्चों को, गम्मा गम खाना मम्मा, गम्मा गम खाना। खाना कौन खाएगा, सम्राट खाएगा, चलो उठो खाना खाएगा, उठो 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 उठो, उठ खाना खाएगा,
उठ, बिल्ली जैसी शक्ल मत दिखा। तुम लोगों की सुसु के ऊपर सुसु हो गई हो तो आप पॉटी भी कर लो, पॉटी कर लो शमशेरा, चलो फटाफट पॉटी करो। अभी तक आई हुई थी बहुत तेज धूप और अभी अभी फिर से बादल आ गए हैं। इतने ज़्यादा बादल तो नहीं है लेकिन धूप भी चली गई है तो हो सकता है शायद बारिश आए। शमशेरा कहाँ अटक गया तू, सुसु कर ले, पॉटी कर लो। सम्राट पॉटी कर दे यार लड़के, मैं फंस गई बीच में, एक इधर से निकल आया एक इधर से मुझे बीच में फंसा दिया। देखो सम्राट किसे देख रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है। चल तो पॉटी कर दे, आओ साइड आओ, इधर आओ साइड में आओ, पॉटी करो सम्राट, पॉटी कर दे शमशेरा, पॉटी कर दे लड़के। कितनी बार बोलना पड़ेगा इस लड़के को पॉटी कर दे, कर दे यार प्लीज। चल सम्राट पॉटी करो, नहीं करनी जाने, चलो फिर वापस चलो, आज नहीं करी, दोनों ने ही नहीं करी। शमशेरा का तो टाइम है, उसने तब भी नहीं करी। लड़के को मैं तब पॉटी करने के लिए बोल रही थी, इसने करी नहीं, फिर आधे रास्ते सिर्फ वापस आए हैं क्योंकि इसको पॉटी आ गई थी। दोनों देखो पूरा बेड घेर के बैठे हुए हैं, बस कब से बैठे हुए थे, 5 मिनट हो गए थे इनको ऐसे बैठे हुए। मुझे कह रहे हैं कि आप ढूंढ लो अपने लिए जगह, आपको जहाँ बैठना है बैठो क्योंकि दोपहर का खाना खा लिया है, बाहर जाके आ चुके हैं, अब रेस्ट करने का टाइम है। पूरा बेड घेर के बैठ गए, मैं कहाँ बैठूँ पता नहीं। कह रहे हैं आप जहाँ बैठना है बैठ लो, हम तो यहीं बैठेंगे और यहीं खेलेंगे। दोनों बच्चे बेड पे फैले पड़े रहते हैं, ये नहीं कि मम्मा कुछ काम कर रही है तो मम्मा को काम करने दे, नहीं बेड पे पड़े रहना है दोनों को। और बाहर हो रही है बहुत ही मज़ेदार बारिश, सुबह इतनी तेज़ धूप आई थी और मैंने तभी बोला था कि आज बहुत तेज़ बारिश आने वाली है और आप देख सकते हो कितनी तेज़ बारिश हो रही है अभी बाहर, मज़ेदार मौसम है। मन कर रहा है इन दोनों को लेके जाऊं बाहर और बारिश में ना नहला दूं इन दोनों को, क्योंकि यहाँ तो ये मुझे तंग कर रहे हैं पूरा बेड घेर के। और आप लोग गाइस देखो सारे टॉयज एक 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 करके ये इतने सारे टॉयज लाके ना बेड पे पूरा कब्जा कर लेते हैं यार मेरे बेड पे। ये हटो, मुझे बैठने दो वहां पे, बैठने दो। आज शमशेरा को बहुत तेज़ भूख लग गई थी पता नहीं क्यों, जबकि आज तो इसने मॉर्निंग वाला जो खाना होता है वो भी खाया था, जबकि आप लोगों को पता है सुबह कभी खाना नहीं खाता, बट उसके बाद भी आज इसे बहुत तेज़ भूख लग गई थी क्योंकि ये 7 बजे से किचन के चक्कर काट रहा था और ये किचन के चक्कर सिर्फ तभी काटता है जब इसको भूख लगती है। तो मैंने इनको खाना दे दिया है 7:45 बजे। अपने लिए मैंने खिचड़ी बनाने के लिए रखी हुई है, मैंने सोचा था कि हम तीनों साथ में खाएंगे जैसे हम पिछले कुछ दिनों से खा रहे हैं साथ में, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी तो मैंने सोचा जब बच्चे को भूख लगी है तो वेट कराना सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसको खाना दे दिया। और बीच में मैंने जो अपने लिए खिचड़ी बनाने रखी है उसमें आ गई है सीटी तो मेरा खाना बन रहा है, अब इनको खिला दिया है क्योंकि ये खा रहे हैं, इसके बाद तब तक मेरी खिचड़ी भी ठंडी हो जाएगी और मैं इन दोनों बच्चों को लेके जाऊंगी बाहर, इनको फ्री करा देती हूँ, मेरी खिचड़ी ठंडी हो जाएगी, मैं उसके बाद खाऊंगी। को लेके आई थी बाहर, दोनों ने पॉटी वॉटी तो कुछ करी नहीं क्योंकि इनको दिख गया था वो सामने दूर जा रहा है एक वाइट हस्की, इन दोनों ने वो देख लिया था, अब उसके पीछे पीछे मुझे खींच के ले आए हैं। और इस सम्राट ने पॉटी भी नहीं करी है, अब मुझे इसे दोबारा लेके जाना पड़ेगा, ये इतना नालायक है। अब कहाँ उधर जा रहा है, घर उधर है, वो दिख रहा है सामने उधर, चल घर चल नालायक। शमशेरा चलो अंदर, अब इसके चक्कर से मुझे दोबारा जाना पड़ेगा। दोनों बच्चों ने खाना खा लिया है, खाना खिला के बाहर भी ले जा चुकी हूँ लेकिन सम्राट ने भी पॉटी नहीं करी, मुझे दोबारा से जाना पड़ेगा। वैसे भी सुसु करने जाते हैं सोने से पहले एक बार, तो उसी टाइम लेके जाऊंगी अब इसे। अब इन दोनों को करने देते हैं यहाँ पे इंजॉय। मैंने अपने लिए बना ली थी मूंग दाल की खिचड़ी और अब मैं यहाँ पे बैठ के खा लेती हूँ खिचड़ी। इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे एंड, जल्दी से मिलेंगे हमारे अगले व्लॉग में। तब तक आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।